नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। एक्ट 2 का राज्य स्तरीय कैडर कन्वेंशन जयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें मजदूरों पर चौतरफा हमले का विरोध किया गया। इस कन्वेंशन में एक्ट 2 के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी और राज्य सचिव सौरभ नरुगा भी शामिल हुए। उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी कानूनों का आगामी जनवरी 8 को देशव्यापी आम हड़ताल में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक्ट 2 के राज्य अध्यक्ष शंकरलाल चौधरी ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किए मजदूर विरोधी कानून में संशोधन को वापस नहीं लिया। इस दौरान राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से एक्ट 2 की अन्य यूनियनों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें रेलवे फेडरेशन IREF के उमेश सिंह, पुरुषोत्तम राजस्थान निर्माण मजदूर संघ से मंजुलता राहुल, गौतम आनंद, प्रेम रेहान, शांति सफाई कर्मचारी एकता यूनियन से मंगीलाल आदि शामिल हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।